सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको डालना चाहिए और ऑप्थल्मिक इसको क्यों रिकमेंड करते हैं और ये ऑपरेशन में दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा ड्रॉप्स क्यों है, तो नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 10 ml का बॉटल है जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 320 रुपये के करीब इसकी MRP है। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स को एल्कोन लेबोरेटरी के द्वारा बनाया जाता है। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स में एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है नेपाफेनिक्स 0.1% वेट बाई वॉल्यूम। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स के यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज सर्जरी के बाद आँखों में दर्द एंड सूजन में किया जाता है। इसका इस्तेमाल आँखों की सर्जरी के बाद होने वाले लक्षणों और सूजन को रोकने के इलाज में किया जाता है। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है? नेवेनेक्स ऑप्थल्मिक सस्पेंशन एक नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs जो आँखों में दर्द और इन्फ्लेमेशन सूजन और लालिमा का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स आपको दिन में 4 बार डालने को बोलते हैं, हर 2-2 घंटे में इसको डालने के रहता है और ऑपरेशन के तुरंत बाद इसको डाला जाता है। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स आपको कोई भी ऑप्थल्मिक्स मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और आपको अगर नहीं मिले तो इसका ड्रग आता है नेपाफेनिक्स ड्रग्स, वो मिल ले सकते हैं। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स यूज करने के पहले अपने ऑप्थल्मिक्स डॉक्टर से संपर्क करें, बाद में इसको यूज़ करें, अपने मन से इसको यूज़ न करें। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। नेवेनेक्स आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।